भी आपको नहीं बता सकते किसान वे तब भी वही चीज बोलते हैं। इसलिए कबीर संगति साधु की जो गंदी की बात और जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बात हुआ। साधु का संग कभी नहीं छोड़ना है, तो ऐसे है जैसे गंद बेचने वाले कहेंगे गंद तो बहुत इंतजारी जो बेचने वाले होते बहुत कीमती होता है, हम तो खरीद नहीं सकते इतना पैसा नहीं है, हमारे समय बर्बाद हो जाएगा। कोई बात नहीं, पैसा नहीं तो क्या हुआ उसके साथ बैठो या उसके पीछे पीछे चलो, चाहे भले वो गंद ना दे लेकिन साथ में रहेंगे तो उसके स्वास्थ्य उधर प्राप्त हो जाएगा, उसका स्वास्थ्य मिल जाएगा। इतने बेचने वाले से इतने ना भी लिया जाए पास में बैठा जाए तो गंद अलग मिल जाता है, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बात हुआ। इसलिए साधु मारे पीटे काटे गाली गलौज दे, हम तुमको कथा नहीं सुनाएंगे, हम तुमको कृपा नहीं करेंगे, फिर भी मत भागो उनके चरणों में घूम घूम के पढ़ते रहो। क्यों नहीं करेंगे आप लोगों ने कृपा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे उसी तो कृपा है, कृपा कह सकते हैं तो बड़ा मुश्किल है। इस तरह किसको कृपा कर दे, उनको गाली देना, उनको डांटना, मारना, पूछना, ये सब कृपा ही कृपा है, क्योंकि उनसे कोई आदि तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मालूम अभी मंगल है। ऐसे हम गुरु वर्गों का अनुग्रह से बैठे हैं, बुद्धि ऐसे ही उसी होनी चाहिए, जैसे भी अपने चरणों में रखे हम रहेंगे और इन पर कर्म को गलती करेंगे। समय राधा तत्व तो गंभीर है, बोलो तो बोलते ही चलेगा, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। जैसे वचन अब इससे मधुसूदन महाराज ने कहा जो कि वैष्णव सुंदर साधु संजय की बात, एक बार गुरु जी ने बोला एक मठ में कौन रहेगा, वैष्णव जी ने जाला डाल जोड़ा जोड़ो डाल, श्री बाबा साधु महाराज जी ने कहा बोले कि वैष्णव गाला डाल जोर जोर डाल, मंदिर में रह करके जो पतला डाल खा सकता है, जैसे वटन बिहारी वाजपेयी जी ने इटली में जाकर वटन दिया था, बोले कि तीन बुलाए तीस आए दे दो मंडी डाल में। तो मंदिर की बात तो ये है, 20 आदमी की जगह 50 आदमी आ गए, अरे कोई चिंता नहीं, क्या चिंता करते, पूरा पानी जाल पर पानी डालो, पानी डाल तो थोड़ा नमक और मिर्ची डाल दिया बंद हो गया, चलो खाओ, थाली में दिया वो पत्तों से भी निकल गया, सब गिर गया, वही खाना पड़ेगा। और वैष्णव वही गाली सुनना पड़ेगा, यदि गाली सुने और समझ जाए, गाली सुन करके भी जो सहेगा तो ये व्यक्ति मंदिर में रहेगा तो भजन करेगा। और एक बात है जो कि तो श्री राधा माधव वयोर जयंती कवि जयदेव गोस्वामी ने कहा कि गोविंद में राधा माधव वयोर जयंती, श्री राधा माधव जय युक्त हो, बोले राधा जी का नाम क्यों लिया पहले, जितना भी मंदिर बनता है सब कृष्ण के नाम से होता है, पुरुषों का नाम आता है और जितने जगह जो कुछ भी देखा जाता है सब पुरुषों को आगे बढ़ा देते हैं, और कभी जयंती के राधा जी को आगे बढ़ा दिया, मुझे राधा माधव जयंती मंगलाचरण में हमेशा पुरुष का नाम आता है, तो परंतु राधा जी का नाम नहीं दिया, बोले क्यों, अरे बिना राधा जी के रस कहाँ है, कृष्ण रस का आस्वादन करेंगे, आस्वादक है रस की मूर्ति तो राधा जी है, विषय विग्रह राधा है, इसलिए भगवान ने प्रेम को आगे रखते हुए राधा जी को सर्वप्रदान कर दिया और राधा जी का प्रेम रस भी स्वयं आस्वादन करते हैं, आस्वादक बन गए ब्रज रस रसिक, ऐसे भगवान से जो राधा जी की प्रेम महिमा को बढ़ाया है। अभी हमारे मंदिर में श्री भक्ति वेदांत से गुरु महाराज जी फिर राधा कुंड राधा तत्व के विषय में सोचते हैं।
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्वताय नमो नमो death, they were not Narayan.
And more than Vaikuntha is Madhuri, Mathura. Krishna did his work first time. Krishna did his work first time. More than Mathura is Vrindavan, Rasotsava. Krishna performed this Ras Lila in Vrindavan. Even Vrindavan, higher than Vrindavan, the Bhagavad Gita is saying, Vrindavan is Udara Paniyama, Tatravi Govardhana, Udara Pani Ramana. He did some special pastime in Govardhana. That's why the specific of Govardhana is very, very high. The Ras Lila, Krishna performed in Vrindavan. Ras Lila is the Krishna jewel of all the pastimes. Ananta Lila. All the pastimes included in the Ras Lila. Krishna himself really is the highest class of rasa, melo, in Ras Lila. But that Ras Lila Krishna released in Vrindavan and Govardhan, there's some specialities there. Because this Ras Lila only Krishna's eternal associate, Intersiddha Gopis, they took part. And even Govardhan, also Radha Munda, Yapi Gopulapade, Prema Munda, Aflava. He flooded with love, fully overflooded in Radha Munda. Now, Pujabhar Madhusudan Maharaj explained, you know, so much glory of Radha Kunda. Now Krishna is circulating always the Radha Kunda. Krishna forgot his place, where to go, always wandering in Radha Kunda. So much attracted, like a bumblebee always around a fragrant flower, quoted so beautifully, glorified. So if some specialty is there, that the Sar Ras and Vasant Ras. Actually, in Govardhana, the Ras Lila Krishna performed is called Vasant Ras. We see in Chaitanya Charitamrita, in Rayaraman Sambhad, when explaining the Govardhana of Radharani, Rayaraman quoting some verses. One verse is quoting that, Jatha Radha Priya Vishnu Kundam Tasya Priya Tatha Sarva Gopisya Sevaika Vishnu Atyanta Bhagavan. Explain this. Also, Anaya Radhita Ananam Bhagavan Hari Vishara Janma Vibhaya Govinda Pitadam Anaya Ananam. The Anaya Radhita Ananam verse is very, very high class verse in Bhagavatam. Why the glory of Radharani is established? You see, there is different acharyas have explained different meanings, different aspects of explanation to this verse. In general sense, when Krishna disappears from the Ras Lila, then gopis are searching Krishna's, where is Krishna's Ras Lila stop? And Krishna disappeared from the Ras Lila. Actually, Krishna left in search of Srimati Radharani. And they found, gopis found that in Krishna's lotus feet, at the middle of Krishna's lotus feet, there is footprint of a Kishori, a teenager gopi. And then they recited this verse, Anaya Radhita Ananam Bhagavan Harishwar. That this gopi is very, very fortunate, whom Krishna took to a secluded place, all fulfilling all his desires. So very fortunate, she must have worshipped Bhagavan. Hari is a special way. So that Krishna today fulfilling his desire. She is blessed. And very, very vast meaning of this verse, I am not going in detail, giving it. And those gopis, in the side of Smriti Radhika, they are telling, Anaya Radhita, you know. Radha means, today Krishna is with Radha Mani. At Anaya,
You are all devoid of good intelligence. Because you don't know the principle of love. Who can conquer Krishna? So today, that gopi fully controlled Krishna by love. And today, Radha, you know, Bhagavan Mahishwar. That Bhagavan is, Bhagavan's love. He is the Lord of the love. Hari, today, he took all the suffering from our Swami heart, fulfilling the desire. And Ishwar is Sarva Samartha, he is very, very capable. He is capable to cheat all you, cheated you. Janma Vihaya Govinda Bhagavan. So this is the explanation when Rai Ramananda told this and Mahaprabhu was not fully satisfied. He wanted to hear more. He told that for this verse, see that apparently Krishna took Radha in what? Not in presence of all, as if hidingly. That this is not the glory, it's not so much established. Then Rai Ramananda quoted one verse from Gita Govinda, how Krishna took Radha in presence of all the gopis. That's from Gita Govinda, very famous verse. Sansar, Kansar Yavi, Sansar Vasana, Vardha Srankhalam, Radha Madhya Hridaye Tat Tidhe Pradasvande. Kansari, Krishna, who is the enemy of Kansa. Actually, Kansa means is not Kansa demon. Actually, who is the pedestal of the separate mode from the rupee's heart. Sansari, Kansari. Sansar Vasa. Sansar is not material existence. The essence of your sara, the essence of all his desires. What is Krishna's desire? To be fully absorbed in numerous pastimes. The essence of all his desire is to perform Rasa. Sansar Vasana. So Krishna's desire came in heart. How to perform? Rasa. So in a special treasure, we get some wealth, a special treasure, we keep in a locker. Only so that protected. Nobody can steal our wealth, nobody can take that. So Krishna is thinking that this treasure I should keep in the heart. How? To bind in chain. Nice lock the box. How? Bind that chain. Rasa Mahadha Hudaya Tatsana Bhadisa. That chain is Srinkhala is Srimati Radhika. The Srinkhala chain is Radhika. Vajjapa Karani, Krishna kept that desire, locked in his heart. He performed this Rasa. So this is the glories of Radhani established in Gita Govinda in Govardhan. The Govardhan is such a glorious place. How Radhanada Goswami did bhajan, he just heard from all the Vaishnavas. The Govardhan, so much glory they are hearing. Go means gopa, gopi, cowards. Also go means gopi bhava. To give the gopi strength. All our Guru Varga, the two centers of Govardhan. To get that special one. Pramana madana leela kandare kandare. Trajayati navajuno yondamashme amanda. Itkila karanartam lakna kasta dayanme. Is a Nikat Nivasa, then the Govardhan. It's a great Govardhan, which pastimes, so much confused pastimes, Krishna performed in this caves and groves of Govardhan. Confidence and pastimes. So he prayed to, not only to enter in that pastime, but to get service. At least we can see the pastimes take part. If we get chance to hear those pastimes even, maybe our life will be successful. It is only possible by the mercy of a dear devotee of Srimati Radha. You know, Guru Maharaj is, Guru Dev is, his position is very, very high. He is very dear Sakhi of Radha.
श्री विग्रहाराधन नित्य आनंद श्रृंगाराधन मंदिर माधनाद युक्तस्य भक्तां श्री युक्त ज्योति वंदे गुरु श्री चरणामृत विच ऑलवेज एनवेज स्पेशल वे वर्शिपिंग सर्विंग श्री विग्रह इन ट्रांसेंडेंटल डिवाइन बॉडी ऑफ राधा कृष्ण श्रृंगार मंदिर मीन्स कुंज मंदिर doing fully intimate service in this. And those are the dear disciples of him, Yudhishthira Bhaktas, intimate followers, he will also engage in. So we should pray to Gurudev, one day he will engage us in the intimate service of Sri Radha. बेंगलुरु से आए हुए एक माता जी कीर्तन करना चाहते थे दो मिनट के और माता जी आइए और कीर्तन पार्टी है मंदिर पार्टी पूरे काम आप सब लोग आइए आपका दिन के अंदर सुख रहेंगे असल मेलोडी माहौल है मैं एक्सप्लोर से एंड्रेस आई वांट टू बोथ साइड ऑफ पीपल लाइक फॉर पीपल टू देव जी और माय माय ओम मां दिया ने पुत्रां से जाना जो सलाह करें सब शुरू में तंदे माय बोल माय तो पीपल पदाय राधिकाय प्रियांजलि श्री श्रीमान भक्ति विनाथ नारायण प्रति राधि सो ऑल इज ऑस्पिशियस ऑफिशियल माय पर्सन Yeah, on this auspicious occasion, I'd like to announce that Shyama Dasi and Radha Dasi from the Bangalore Center, that is Shri Madan Mohan Gaudiya Mahat, would like to make an offering to Srila Gurudev and for the pleasure of Srila Gurudev, the Sridharji Sanyasis, the Vaishnavas and Vaishnavas. So I would humbly request all of those present to overlook and forgive any shortcomings in this presentation, in this offering, and also to bless Shyama Dasi and Radha Dasi so that they will have complete attachment to the lotus feet of Radha and Krishna. Srila Gurudev ki
पद्मावली में वर्णन हंसदूत में वर्णन किया है। जब विश्वभानंदनी श्री राधा जी विरह में कृष्ण के विरह में मूर्छित हो जाया करती, उस समय सखियां ललिता जी के आदेश से महामंत्र कीर्तन करती और इस महामंत्र के ध्वनि से राधा जी को पुनः चेतना लौट गया, तब भी जागरूक थे। इस प्रकार राधा जी ने अभी अभी परम पूज्यपाद से आश्रम महाराज जी ने बताया था कि यह महामंत्र दिया किसने, जो कि विश्वभानंदनी राधा जी ने कृष्ण को दिया है और कृष्ण ने इस मंत्र का जप किया राधा जी को मान बनाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए महामंत्र का जप। जब कृष्ण ब्रज छोड़कर मथुरा गए और द्वारका को गए, राधा जी विरह में मूर्छित होती रही। उनकी मूर्छा अवस्था में जबकि सखियां इस महामंत्र का गान करती है और इस महामंत्र कीर्तन के द्वारा उनकी पुनः चेतना लौटती है। इस प्रकार जो महामंत्र स्वयं राधा कृष्ण का स्वरूप है, इसके कीर्तन में कितना आनंद, कितना प्रेम, कितनी शक्ति, कितनी महानता, कोई हम कह नहीं सकते। आज राधा जी के विषय में वैष्णवों ने वर्णन किया, अभी शो में वैष्णव दे वॉन्ट टू स्पीक But today time is over, so I request today we can start after now, again tomorrow also, our Asila Guruji, Om Vishnu Pada, Shruta, Satam Sishma, Bhakti Vedanta, Bhagavan Kusami Maharaj, Tatha Om Vishnu Pada, Shruta, Satam Sishma, Bhakti Vedanta, Tivikram Kusami Maharaj, dear, this every agency, Good morning, everyone of having Pushpanjali and all glorifications of Srila Guru Bhaktivedanta, also we have back tomorrow Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj in this appearance day. In this way, 3 days, no parikrama, but we have their program 3 times, morning, then 8 to 12, also evening program, all speakers, everyone they can speak and they should try. Also, Radha Dandan continues because we are going to come over Vasana, Nandagam. So, in this way, now so many sweetness, Leela, so many places of Radha Chaitanya Leela Tatha. So, we want to hear in this way, next day. They are also speaking today. Our Sabha stopped. One chapel is from the second class in the way of the Tatla from our name to the way of So those devotees who will take initiation tomorrow, please come and register your names with me. I'll be sitting in front of the gates right after we get up from here. Also tomorrow we have sacrifice. Initiations will be around 7:30 or 8 o'clock tomorrow morning. Jaga Jaga Bodhi Namah Dikha Dikha Dikha